दोस्तों असम और पश्चिम बंगाल के अंदर इस वक्त चुनावी मौसम बहुत ज्यादा गर्म है। बीजेपी पार्टी की तरफ से देश के गृह मंत्री अमित शाह रैलियों की कमान संभाल रहे हैं और अपनी हर रैली में अमित शाह CAA का मुद्दा जरूर उठाते हैं। कहते हैं कि हम अगर पश्चिम बंगाल में जीत जाते हैं तो CAA के तहत यहां पर जितने भी शरणार्थी हैं सबको हम भारत की नागरिकता दे देंगे। हालांकि वो मुसलमानों का नाम यहां पर नहीं लेते हैं, यही बात वो असम के अंदर भी दोहराते हैं हर रैली में। CAA और NRC का मुद्दा जो है एक सियासी मुद्दा बना लिया है बीजेपी पार्टी ने। फिलहाल NRC का तो अब जिक्र नहीं होता, CAA का जिक्र ज्यादा होता है। लेकिन अब एक ऐसा मामला सामने आया है जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने बुरी तरीके से बीजेपी पार्टी के ऊपर हमला कर दिया है CAA कानून को लेकर। मामला मुंबई का है। मुंबई में बीजेपी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बांग्लादेशी निकले जिनका नाम रूबल शेख है। मुंबई में बीजेपी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जो हैं वो एक बांग्लादेशी थे। जब ये मामला सामने आया तो पुलिस ने तहकीकात की तो वाकई में ये बात सामने आई कि रूबल शेख बांग्लादेशी हैं, ये फर्जी तरीके से भारत के अंदर रह रहे हैं। लेकिन मामला ये सामने आया कि बीजेपी पार्टी ने इनको अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बना रखा है। इस मामले के सामने आने के बाद कांग्रेस पार्टी को एक मौका मिला, उन्होंने बुरी तरीके से बीजेपी पार्टी के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सचिन सावंत ने एक वीडियो को ट्वीट करते हुए कहा कि बीजेपी पार्टी ने संघ जिहाद किया है। बीजेपी पार्टी के कुछ नेताओं का नाम गौ तस्करी में आता है, अब बीजेपी पार्टी ने अपनी ही पार्टी में एक बांग्लादेशी को अध्यक्ष बना दिया तो बीजेपी पार्टी ने खुद संघ जिहाद किया है। उन्होंने कहा क्या बीजेपी पार्टी के लिए CAA कानून का प्रावधान कुछ अलग है, यानी बीजेपी पार्टी कुछ भी कर सकती है, उनके लिए कानून अलग है और देश के लोगों के लिए कानून अलग है। मतलब उनका कहने का सीधा सीधा मकसद यह था कि पहले CAA कानून तो बीजेपी को अपनी पार्टी में ही लागू करना चाहिए क्योंकि वो खुद अपनी पार्टी में बांग्लादेशियों को घुसेड़े हुए हैं। बहुत सारे हमले कांग्रेस की तरफ से बीजेपी के ऊपर किए जा रहे हैं और अब ये मुद्दा असम और पश्चिम बंगाल के अंदर जरूर उठने वाला है, ये बांग्लादेशी वाला मुद्दा। फिलहाल इसको लेकर बीजेपी पार्टी की तरफ से सफाई दी गई है। राम कदम सांसद हैं, उन्होंने सफाई दी है कि ये जो कहानी है ये सब मनगढ़ंत कहानी सुना रही है कांग्रेस पार्टी। और ये राम कदम वही है जिसके साथ रूबल शेख की फोटो वायरल हो रही है, जिसको कांग्रेस बांग्लादेशी बता रही है और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का बीजेपी का अध्यक्ष बता रही है। तो राम कदम ने कहा कि देखिए मेरे पास जो भी आता है वो फोटो खिंचवा लेता है, मैं किसी को भी मना नहीं करता हूं फोटो खिंचवाने से, तो ये भी मेरे पास आया होगा, इसने फोटो खिंचवा लिया होगा। हम नहीं जानते ये कौन है, कहां का रहने वाला है, हमारे देश के अंदर इस वक्त जो भी है वो हमारा देशवासी ही है और वो हमारे पास आया तो हमने फोटो खिंचवा लिया। ये ऐसा ही मामला हो गया जैसे शाहीन बाग के अंदर कपिल गुर्जर ने हमला किया था, उसके बाद बीजेपी पार्टी ने अपनी पार्टी में उसको शामिल किया था और जैसे ही ये बात सामने आई कि ये कपिल गुर्जर वही है जिसने शाहीन बाग में हमला किया था, बाकायदा गोली चलाई थी, तो उसके बाद बीजेपी ने उसको हटा दिया। तो इस मामले में भी बीजेपी पार्टी की तरफ से यही सफाई दी गई है कि हम नहीं जानते कौन है, हमारे पास कोई आया फोटो खिंचवा लिया, हमें नहीं पता था। ऐसे कपिल गुर्जर को लेकर कहा था कि हमने बहुत सारे लोगों को सदस्यता दी थी बीजेपी पार्टी की, इसमें कपिल गुर्जर भी था, हमें नहीं पता था कपिल गुर्जर कौन है, इसका बैकग्राउंड क्या है। तो बीजेपी पार्टी की तरफ से हमेशा ऐसी सफाई आती है। अब इस पूरे मामले को आप किस नजरिए से देखते हैं, आप लोग भी अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करें।